मेट्रो आप जरूर चेकआउट कीजिए, क्या कि बहुत कम में कपड़ा मिलता है। फिलहाल तो अपन का काम हो चुका है, फिलहाल बैग लेंगे और निकलेंगे भैया से। रुको भाई, टिकट कहाँ रखे महाराज, देखने दो। छब्बीस नंबर पर तो फाइनली जाके पॉकेट पे अभी जाके टिकट मिला है। तो भैया मतलब पूरा स्ट्रीट है हम लोगों का, टिकट नहीं तो फिर भी। तो अभी तो अपन आ चुके हैं, मतलब टाउन पे एक जगह जाने का है, तो आते आते भाई से भेंट हो गया। क्या भाई, मतलब किसके चलते आए हो? अरे महाराज खुल जाएगा, तो अभी यही हम लोगों का बैंक है, पंजाब बैंक। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, अभी तो अपन दूसरे जगह जाए, बस आने में कितना समय लगता है। फिलहाल अभी फाइनली अपन का बस तो अभी पहुंच चुका है, अभी बैठेंगे, देखते हैं कितना भीड़ है फिर अंदर जाके। तो लगता है भीड़ तो नहीं है। पीछे पीछे आगे जाएगा, तो फिर तो अपन आगे ही बैठेंगे, सोचते हैं, देखते हैं अगर सीट वीट मिल गया तो। सीट कितना है फिर तो लगता नहीं उतना। तो फिलहाल तो अपन कॉलेज के पास आ चुके हैं, अच्छुरा मेमोरियल कॉलेज झल्ला पर। तो देखते देखते ही यहाँ पर टीएमसी के साथ पोस्टर लगा हुआ है, तो यह है गेट, उसका बड़ा वाला गेट है, तो बड़ा वाला गेट में हम लोग नहीं घुसेंगे, छोटा वाला गेट में घुसेंगे और पूरा कैंपस देखेंगे यहाँ का। पहले तो मतलब एक बार आए थे तो उतना तो उस टाइम पे तो कैमरा वैमरा कर नहीं पाए थे, तो अभी तो आज एकदम पूरा कॉलेज का देखेंगे। यहाँ तो पानी पीने का घुसते घुसते मस्त है, किसी का है कि मतलब कहीं से थक वक के आते हो तो मुंह फ्रेश करके जाइए। तो यह है कुछ उसका कैंपस कॉलेज का। सर वेलकम नेशनल सर्विस स्कीम। तो यहाँ पर लाइन सब कोई दिया हुआ कि न्यू स्टूडेंट है सब कोई। तो यहाँ पर तो शायद ऑफिस लगता ही है, ऑफिस नहीं बोल सकते इसको हम। तो ये सब एरिया पूरा बैठने की जगह है सब, जो आप लोग देख रहे हो, और इससे तो हम आए, आप लोग पहचानते हो मेरा जिगदी। तो फिलहाल तो अपन खाली घूम रहे, उतना तो मालूम नहीं इस एरिया के बारे में। तो सब कोई आके यहाँ पर बैठा हुआ है भाई। डिजाइन तो कॉलेज का मस्त है, कैंपस भी मस्त है एकदम, को घूमने के लिए बहुत जगह मिल जाएगा यहाँ पर। ऑफिस कौन सा? तो ये है ऑफिस रूम, और ये आपका हो गया लाइब्रेरी रूम। अगर किताब विताब कुछ भी लेना है, मतलब कॉलेज में पढ़ते हो तभी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और ये हम लोग का देवाशीष है, जो अभी तक किताब लेगा नहीं, बट खाली घुमा रहा हमको यहाँ वहाँ। और एक अच्छी बात लगा यहाँ पर आते आते, लाइब्रेरी देख रहे हो आप लोग, मतलब जहाँ वहाँ कूटा उटा मत फैली आप। और हम लोग का एग्ज़ाम शायद इस साइड पे हुआ था, जब एक बार हम लोग एग्ज़ाम देने आए थे तब। तो ऊपर उठेंगे क्या? चलिए फिर ऊपर उठते हैं। और ये आपका है गर्ल्स कॉमन रूम, मतलब वाशरूम वाशरूम सब आपका हो गया, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए नहीं है। तो यहाँ से तो नज़ारा बहुत मस्त है एकदम, चारों तरफ देखिए आप, जहाँ पर भी। ये भी शायद कॉलेज का ही कॉलेज का एरिया का, और ये कॉलेज का एरिया नहीं है, महकुमा है। ये आइए, तो अभी तो शायद लॉकडाउन के चलते सब कुछ मतलब बंद है, क्लास वास। ये बॉयज़ कॉमन रूम है, तो देख रहे हो आप लोग, मतलब बेंच वेंच सब पड़ा हुआ है बाहर पे ही। कॉलेज आके हमको तो यहाँ पर एक बात अच्छा लगा कि साफ़ सफाई का जो मेंटेनेंस रखता नहीं लोग, बहुत मस्त रखता है। आप कहीं भी आप लोग देख लो, थोड़ा कूटा उटा कुछ भी नहीं है। ये तो मतलब पेड़ वेड़ लगाया आप, कुछ पौधा वौधा, अच्छी बात है। ऐसे कॉलेज को यार अच्छे साफ़ सुथरा सब कुछ रखना चाहिए यार, ये हम लोग खुद का जिम्मेदारी है। अब जहाँ कहीं भी जाइएगा कहीं नहीं, बस सर्टिफिकेट ले के लिए मतलब लाइन पे खड़ा हुआ बहुत सारा है यहाँ पर। उतना भीड़ क्या कि लॉकडाउन कुछ उतना सबको आता नहीं है, बैठेंगे अपन इसी जगह पर अभी फिलहाल। तो अपन अभी दूसरा साइड पे जाएंगे, यही वाला गेट के जो अभी तो उस साइड पे गए थे। तो आते आते एक सुंदर नारी दिखाई दी, रुको अभी पूरा कैंपस कैप्चर करने की कोशिश करते हैं।
ये आपका हो गया मतलब पूरा एरिया देख रहे हो, ये सब मतलब ये भी ऑफिस ऑफिस, ये जो है पूरा मेन ऑफिस है, वो देख रहे हो यहाँ से। तो साफ सफाई बहुत मेंटेन्स करता है ये लोग। तो ये हम लोग यहाँ पर कैंटीन भी है, देख रहे हो कितना हरियाली है कॉलेज के अंदर। तो ये हम लोग का कॉलेज के कैंटीन है, हमदा नहीं है बट मैं दोस्त का। तो अभी प्रॉपर मतलब दुकान के अंदर घुसेंगे, देख रहे हो ये स्टाफ रूम के अंदर। तो ये सब जितना सारा है मतलब साइंस डिपार्टमेंट है, देख रहे हो आप लोग, मतलब ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट है और ये आपको डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट हो गया पूरा। मतलब अभी तो शायद कितना पूरा एरिया आप लोगों को दिखा पाते हैं, सबसे बड़ी बात है। ये तो फिजिक्स डिपार्टमेंट है, तो पूरा सा लगा हुआ के लॉकडाउन के चलते मतलब उतना दिखा नहीं पाएंगे पूरा। लो भाई ये हो गया इंग्लिश डिपार्टमेंट, और ये डिपार्टमेंट बंगाली डिपार्टमेंट हो गया, और यहाँ पर जूलॉजी डिपार्टमेंट, बहुत सारा मतलब ऊपर ही में ही मतलब डिपार्टमेंट वाला है। ये आपका जियोग्राफी डिपार्टमेंट हो गया, सब बंद है अभी। और ये आपका इग्नू हो गया मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, ये मतलब जो मतलब जहाँ आप इग्नू कहीं भी करो बट काम चल जाएगा यहाँ पर। ये आपका पॉल साइंस हो गया, और ये संस्कृत डिपार्टमेंट हो गया। हम पहले जब एक एग्ज़ाम दिया था ना बाबू, यही रूम था देवदशीष, यही रूम पे एक बार दिए एग्ज़ाम। और चलिए यहाँ पर से दिखाते हैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा, यहाँ से कैसे दिखता है गाइस, कितना मस्त है ना भाई, मतलब व्यू यहाँ से, साइड में आपको फ्लावर, और एक तो सुकून, सब चीज़ मिल जाए आपको इतना मतलब पास में, सब कुछ पास में ही है, कॉलेज वॉलेज सब। आप अगर कैंपस लेना चाहते हो एडमिशन तो यहाँ मस्त जगह है सब लोगों के लिए। फाइनली अपन तभी मॉल आए थे घूमने के लिए, मॉल भी घूमा हो गया। अभी तो लेडीज काउंटर पे आए हैं भाई, नीचे तरफ जाएंगे फिलहाल, कुछ सामान खरीदना हो गया, बोतल हो गई, पेंट हो गया, मैं नीचे उतर रहे हैं। तो नीचे का माहौल कुछ ऐसा मस्त है एकदम भाई, कुछ भी बहुत कम में कपड़ा मिल जाता है। तो फिलहाल तो अपन अभी बिल काउंटर पे जाएंगे और बिल करवाएंगे और घर तरफ निकलेंगे। बिल काउंटर इधर भाई, कपड़ा बट मस्त, बहुत कम क्वालिटी में मिलता है यहाँ पर, ये सिटी बाजार मेट्रो। मतलब जल्दा अगर आए हैं तो बाजार मतलब हाँ सिटी बाजार मेट्रो आप जरूर चेकआउट कीजिए, क्या कि बहुत कम में कपड़ा मिलता है। फिलहाल तो अपन का काम हो चुका है, फिलहाल बैग लेंगे और निकलेंगे भैया से। रुको भाई, टिकट कहाँ रखे महाराज, देखने दो। छब्बीस नंबर तो फाइनली जाके पॉकेट पे अभी जाके टिकट मिला है। तो भैया मतलब पूरा स्ट्रीट है हम लोगों का, टिकट नहीं तो फिर बैग भी नहीं मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं बस स्टैंड पर। हे ब्रदर्स, हम लोग आ चुके हैं बस स्टैंड पर,
अभी तो देखेंगे कहाँ अपना बस है। कब होगा? ओ फाइनली हम लोग का बस तो यहीं पर खड़ा है, बट बहुत देरी लगता है छोड़ने में। फिलहाल तो नाश्ता वास्ता करेंगे कहीं पर, देखते हैं कहाँ होटल वोटल मिल जाएगा। तो फिलहाल तो अपन नाश्ता दुकान में बैठे हुए हैं। कितना देर? तो फाइनली अपन रिटर्न जयपुर पहुंच चुके हैं, इसी बस से आए घर। बाय 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 मैन। तो अभी अपन जाएंगे घर का तरफ और कुछ नहीं बस। हे गाइस, तो अभी फिलहाल 2 घंटा नींद के बाद इवनिंग वर्कआउट पे आए हैं। काहे कि मतलब बहुत थक गए थे भाई, लिटरली मतलब जितना ट्रेवलिंग किया ना। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। लव यू, टेक केयर।